अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद सब खैरियत से हूँ। अज अस ठाए रहे हैं पाइनएप्पल शेक। उन असके ही तमाम शूं खन सभी का पैं एक कप जो चॉप्ड पाइनएप्पल ब्लेंडर में विझी वी एक कप जी खंड शामिल कंदी। खंड तुम टेस्ट के हिसाब से घट वध कर सो था। एक कप जो आइस क्यूब्स विझी वरतियों हाँ इन में अस एक कप जी फ्रेश क्रीम विझी वी। पैकेट वाली फ्रेश क्रीम भी विझी सूँ था या घर में जो मलाई मौजूद होंगी वह भी विझी सकजे थी वह विझी वी। क्रीम विझण का पो असा डेढ़ कप जो खीर विझी वी। पाइनएप्पल शेक की रेसिपी इलाही आसान है। तमाम घट शेयर से अस घर में जबरदस्त और टेस्टी पाइनएप्पल शेक ठाए सकूँ था। अगर अमां मुझे चैनल ते नवा आयो तो चैनल के सब्सक्राइब कजो। हाँ अस ब्लेंडर के कवर कर इनके चंगी तरह से बीट कर वी कुछ मिनटन तीन सुठे तरीके से ब्लेंड करा रही ताकि असो सुठो शेक तैयार थी वे। इन में हाँ अध चुटकी जो येलो फूड कलर विझी वी थोड़ा कलर दियण के लिए अदरवाइज बगैर कलर के भी यूज कर सकजे तो। मार्केट में थोड़ा कलर वो मिल है इन कर फूड कलर शामिल किया। असो पाइनएप्पल शेक तैयार थी चुको है। अगर अवे थदो खपे तो तुम में बर्फ भी विझी सको था। शेक खाने मल जो मथा फोम जमा थी वह वो भी इन मथा विझी कर हाँ सर्व करने असो पाइनएप्पल शेक तैयार है। गर्मी के मौसम के लिए तो जबरदस्त पाइनएप्पल शेक इलाही टेस्टी और मजेदार लगन है। पान भी पियो घरवार के भी प्यारो और अगर असी भी पसंद आई हो तो जरूर शेयर कजो। ठाए रहे हैं मैंगो शेक। अगर आप मुझे चैनल ते नवा आयो तो चैनल के सब्सक्राइब कजो। वीडियो के एंड ते जरूर दिसजो। ये तमाम शयूं असके खपनियो मैंगो शेक ठाण के लिए। हाँ सभी का पैर ब्लेंडर में अस मैंगो जी क्यूब्स विझी वी। बिन अंबन के कटे कर क्यूब्स ठाए वरती हुई अस उ यूज क्यों पे। हाँ अस इन में विझासी 5 चमचन के बराबर खंड। खंड का पोस विझासी 4-5 चमचन जितनी फ्रेश क्रीम घरवारी क्रीम भी यूज कर सको था या पैकेट वाली क्रीम भी यूज की सके थी। 5 चमचा क्रीम जहाँ विझण का पो अस विझासी इनमें 1 कप जो खीर। हाँ इन में कुछ बर्फ जो क्यूब्स विझी वो ताकि थदो मैंगो शेक ठहे। क्यूब्स विझण का पो इनके कवर कर ब्लेंड कर वो 3-4 मिंटन ते इनके चंगी तरह से ब्लेंड कर ताकि सब शयू पान में मिक्स थी वन सुठो मैंगो शेक तैयार थी वे। असो मैंगो शेक रेडी है। हाँ सभी का पैं ग्लास में कुछ बर्फ जो क्यूब्स विझंदा और उन मथा मैंगो शेक विझी वठंदा। मैंगो शेक इलाही आसानी से जल्दी तैयार थी वो है। पान भी पियो घरवार के भी प्यारो। अज अस ठाए रहे हैं बारन जो वडन जो सभी जो ही फेवरेट ओरियो शेक। आजाद जो ओरियो शेक अस आसानी से घर में ठाए सकूँ था। उन पैकेट ओरियो जो खी वरता है ओरियो बिस्किट्स या डबल वो पैकेट खयों है। हाँ सभी का पैं ओरियो बिस्किट्स अस ब्लेंडर में विझी वी 2 बिस्किट्स बचाए रखासी मथा विझण के लिए उन ग्लासन जितो खीर विझी वी। अगर अमां मुझे चैनल ते नवा आया तो चैनल के सब्सक्राइब कजो और वीडियो एंड तीन जरूर दिसो। हाँ अस मलाई यूज कंदी 2 चमचा मलाई जो अस विझासी इन खीर से गड मलाई घर की भी यूज कर सूँ था। पैकेट वाली हो पैकेट वाली भी यूज कर सकजे थी। हाँ 4 चमचन जितनी खंड विझी वी। हाँ अस आइस क्यूब्स विझासी जो भी असो थो शेक रखो है उन हिसाब से विझासी कवर कर इनके चंगी तरह से ब्लेंड कर वी 2-3 मिंटन ती चंगी तरह से ब्लेंड थियण का पो अस इनके कढ़ी वी। असो ओरियो शेक तैयार थी चुको है। हाँ एक ग्लास खड़ी वी उन किनारे ते लिक्विड चॉकलेट ड्रिजल कर वी। अगर अव चाहो तो विदाउट चॉकलेट भी यूज कर सको था। ओरियो शेक तो हूँ भी टेस्टी मज़ेदार हों। हाँ असो ओरियो शेक ठाए रखो है वो इनमें विझी वी। ग्लास के फिल करण का पो अस इन मथा थोड़ी लिक्विड चॉकलेट भी ड्रिजल कई है छो जो बारन के चॉकलेट वड़ी है। अगर अव विदाउट चॉकलेट यूज करण चाहो तो कर सको था। उन इन मथा थोड़ा क्रश कर ओरियो बिस्किट विझी वो। रेसिपी पसंद आई हुए तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कजो। चैनल पहल भी वीडियोज के भी व्यू कजो ही फैमिली जो ख्याल रखो।